हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑन बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। इफ द पावर आउटपुट ऑफ एटॉमिक रिएक्टर इज 1.6 मेगावाट, देन द रेट ऑफ फिजन विल बी ऑप्शन ए 5 × 10⁻²² पर सेकेंड, ऑप्शन बी 5 × 10⁻16 पर सेकेंड, ऑप्शन सी 8 × 10⁻16 पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 20 × 10⁻16 पर सेकेंड। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जा रही है जिससे कि ये स्लो हो जा रहा है, ठीक है। और इस केस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो पावर आउटपुट है इस एटॉमिक रिएक्टर का वो 1.6 मेगा वाट दे रखा है, तो हमें रेट ऑफ फिजन बताना है क्या होगा। तो पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर रेट ऑफ फिजन के बारे में बात करने को बोल रहा है। तो रेट ऑफ फिजन होता क्या, ये देखें, तो रेट ऑफ फिजन जो होता है ये होता हमारा आउटपुट पावर, दैट इज कैपिटल पी, या तो इसको पावर लिख देते हैं, पावर डिवाइडेड बाई यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। इसको पावर को पी से डिनोट करते हैं और एनर्जी को ई से, ठीक है, पी बाई ई। तो हमें इसकी वैल्यू को बताना है, तो इसमें हम वैल्यूज को सारे रखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो रेट ऑफ फ्यूजन यहाँ से हो जाएगा रेट ऑफ फिजन, ठीक है, फ्यूजन नहीं फिजन, इज इक्वल टू पावर हमारा कितना है, इसका पावर दे रखा 1.6 मेगावाट, तो ये हो गया 1.6 डिवाइडेड बाई, ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 × 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा मेगा वाट में आ जाएगा। 1.6 से 1 कैंसिल होगा और ये बचेगा 1 × 200 × 10⁻¹⁹। दो जीरो से पावर को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -17, -17 ऊपर जाएगा तो +17, ठीक। और 1/2 मतलब 0.5 × 10⁻¹⁷, और ये यूनिट इसकी क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। पॉइंट वॉट आएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻¹⁶ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट ऑफ फिजन, रेट ऑफ फिजन। अगर हम इसको अपने ऑप्शन से मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।